बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राबिया अकरम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर लेक्चर ऑन अ विजिट टू द सवात वैली बाय एच पी स्टीवर्ट। इन फैक्ट दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर ऑन दिस एसे। बिफोर दिस आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड लेक्चर ऑन अ विजिट टू द सवात वैली। So this is my second lecture, and I'll try myself to end this chapter as well in this second lecture. This is page number 23, where we ended the last time. So at page number 23, we discussed the cultures and traditions of the local folks that live there. गुज्जर folks की हमने एक wedding procession भी discuss कर लिया। ये देखें, इधर लिखा हुआ है wedding procession, तो शादी के का जो एक बारात जो जा रही थी उसके बारे में भी हमने इसमें, और ट्रेडिशंस, और वो जो उन्होंने बताया कि दूल्हा तकरीबन 3 हफ्ते पहले घर से दूर चला जाता है और उसको शादी के फंक्शन को एंजॉय करना उसके लिए इम्प्रॉपर समझा जाता है। तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी, और इससे आगे चलते हैं। अगला पैराग्राफ आज हम स्टडी करने लगे हैं। द नेक्स्ट डे was planned for the geologists and those who wanted to have a better look at the Buddhist ruins. तो अगेन ये देखें, पेज नंबर ये 22 है और उससे अगला ये पेज नंबर 23 है जिस पे आज हम स्टडी कर रहे हैं। 23 पेज है ये, और 23 पेज है ये, और इसको आज हम स्टडी कर रहे हैं। ये देखें, अगले दिन जियोलॉजिस्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट था। तो जियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? द पर्सन हु स्टडी लैंड, जो ज़मीन को स्टडी करते हैं। जियो कहते हैं ज़मीन को, तो ज़मीन की जो स्टडी होती है उसको जियोलॉजी कहते हैं। और जो शख्स जियोलॉजी को पढ़ता है उसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अगला दिन जियोलॉजिस्ट के लिए था। एंड दोज हु वांटेड टू हैव अ बेटर लुक एट द बुद्धिस्ट रुइंस, और जो लोग बुद्ध मज़हब के लोगों की रुइंस, खंडरात को भी कहते हैं, बाकियात को भी कहते हैं, उनकी जो चीज़ें अब अलामत उनकी बच गई हैं उनको देखने का शौक़ रखते थे। तो आज हमने उनके लिए एक दिन वक्फ कर दिया। एवरी हिल टॉप सेम टू ब्रिसल विद द लास्ट फ्यू स्टोन्स दैट वंस फॉर्म्ड अ मोनास्ट्री, अ फोर्ट्रेस और स्टूपा, और इवन अ ड्वेलिंग हाउस। तो ब्रिसल का मतलब होता है शाइन, सेम टू हैव ब्रिसल, ब्रिसल का मतलब होता है शाइन। तो हर हिल की टॉप चमक रही थी उन लास्ट स्टोन्स के साथ जो किसी मोनास्ट्री को बनाने के लिए यूज़ किए गए थे, या फोर्ट्रेस किले को कहते हैं, या स्टूपा, तो स्टूपा इबादतगाह को कहते हैं। तो इनके मीनिंग आपको याद करना पड़ेंगे, ये न्यू वर्ड्स हैं। मोनास्ट्री खानका को कहते हैं, फोर्ट्रेस किले को कहते हैं, स्टूपा इबादतगाह को कहते हैं, और इवन अ ड्वेलिंग हाउस, या कोई घर बनाने के लिए जो उन्होंने पत्थर इस्तेमाल किए थे। देयर वर रिमेन्स ऑफ स्टूपास दैट हैड वंस बीन लैबोरेटली कवर्ड विद कार्विंग्स विद बिट ऑफ विच स्टिल रिमेन्स। अच्छा, वहाँ पर ऐसी इबादतगाहें भी हमने देखी जो जहाँ पर कार्विंग्स थे। कार्विंग होते हैं कुंदा करना, काट कर पत्थर को काट काट कर और उस पर नक्श निगारी करना, कोई चीज़ लिखना, इसको कार्विंग कहते हैं। तो कार्विंग की गई थी। वी मस्ट व्हाट मस्ट दी वैली हैव लुक्ड लाइक व्हेन ऑल दीज सैफ्रन क्लैड बुद्धिस्ट मंक्स could look down at the rice fields by the riverside and watch the sun setting along the pink flushed crest of the snows. तो मंक होते हैं जो मजहबी लोग होते हैं, जो खानका में रहते हैं, मजहब की तबलीग करते हैं, मजहब के काम में इन्वॉल्व होते हैं, उसको
मंक्स कहते हैं। तो यहाँ पर सोच रही है और गौर फिक्र कर रही है राइटर, और वो कह रही है कि किस तरह का लगता होगा ये जगह, कैसी लगती होगी जहाँ पर, जहाँ ये रिवर साइड पर मंक्स खेतों में चलते होंगे और सूरज को ग़ुरूब होते देखते होंगे और ये सारे मनाज़िर। सो ये हम स्टडी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस हैं जो अपने आप से पूछ रही है, गौर फिक्र कर रही है। आर द फॉरेस्ट गोन दैट वंस प्रोवाइडेड देम विद फ्यूल, और वाज इट पार्ट ऑफ देयर क्रीड दैट दे मस्ट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू प्रोवाइड फॉर देयर सिंपल नीड्स। तो क्या वादी को कभी फ्यूल मिला था अपने ट्रैवलिंग के लिए, या ये उनकी क्रीड है? क्रीड, क्रीड का मतलब मज़हब भी होता है, बिलीफ भी होते हैं, मतलब कि या ये उनका एतकाद है कि सिंपल नीड्स के लिए भी उनको लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। सर ऑरल स्टाइन वंस विजिटेड दिस वात वैली एंड रोट अबाउट दिस बुद्धिस्ट टाइम्स इन अ बुक कॉल्ड ऑन अलेक्जेंडर ट्रैक ऑन द इंडस। तो सर ऑरल स्टाइन ने एक दफ़ा विजिट किया था स्वात वैली को, और वापसी पे उसने एक किताब लिखी थी ऑन अलेक्जेंडर ट्रैक ऑन द इंडस, दरिया सिंध को इंडस कहते हैं। बट आई हैव नॉट येट बीन एबल टू फाइंड अ कॉपी ऑफ हिज रिकॉर्ड, लेकिन मुझे उसके रिकॉर्ड की कापी अभी नहीं मिली। अगला पैराग्राफ हम देखेंगे। वी स्पेंड पार्ट ऑफ द डे शॉपिंग इन द बाज़ार, पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ हिस्सा, हमने दिन का कुछ हिस्सा बाज़ार में शॉपिंग करते हुए गुजारा। एवरी वन वॉन्टेड स्वात ब्लैंकेट्स एंड दी वेराइटी वॉज ग्रेट, हर कोई चाहता था कि वो स्वात के ब्लैंकेट ले ले, कंबल ले ले, और वैरायटी बहुत आला थी, सम वूल सम कॉटन ऑल काइंड्स ऑफ मिक्सचर्स यूजुअली इन गे स्ट्राइप्स रेड, गे का मतलब होता है हैप्पी कलर, शोक रंगों में थे ज़्यादातर, और रेड येलो ब्लू ग्रीन, ये देखें पेज नंबर देख लें, 24 पेज नंबर है। ब्लू ग्रीन सम फॉर कर्टन्स एंड सम फॉर कॉटेज बेड स्प्रेड्स, अ फ्यू ऑफ द लेडीज बॉट ब्लैक स्कार्व्स विद मजेंटा ट्रिमिंग्स। सो मजेंटा ट्रिमिंग्स मतलब कि कुछ खवातीन ने ऐसे भी स्कार्फ की जमा स्कार्व्स लिखी हुई है, स्कार्फ लिए जिनके साइडों पर गोटा किनारी लगी हुई थी। सम वॉन्टेड अ स्वात हैट टू शो देयर फ्रेंड्स, दे सीम टू बी वेरी अगली थिंग्स एंड सो अंडर बिकमिंग टू दी हैंडसम लैड्स दैट वोर देम बट वेरी वार्म लैड, ये देखें लैड कम उम्र लड़के को कहते हैं लैड, एल ए डी लैड। सो I preferred the pretty caps trimmed in gold and that you would see at the head of some lovely child, usually the son of a local khan. तो राइटर कह रही है कि मैंने कुछ खूबसूरत टोपियाँ जो गोल्डन कलर से ट्रिमिंग की हुई थी, जिसके साइडों पर गोल्डन कलर लगा हुआ था, उस तरह के देखे जो लिए जो वहाँ के लोकल खान को आप पहने हुए देखेंगे। तो अगला पैराग्राफ देखें, टू विजिट द बुद्धिस्ट रिमेन्स, ये अगला नेक्स्ट इसका पैराग्राफ आ गया कि इन्होंने अगले दिन जो बुद्धिस्ट रिमेन्स बच गई थी उनको इन्होंने विजिट किया। बाय इवनिंग ऑफ द सेकेंड डे द क्लाउड्स बिगैन टू गैदर एंड द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग हल्की बूंदाबांदी को कहते हैं, और अगले दिन बादल जमा हो गए और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। Hoping it would clear up in an hour or two, we set out for Pir Baba, thinking that we would not have time to see this interesting road on our return journey, for it is a good deal longer and there are four passes to cross before one comes to the shrine. Shrine जो मज़हबी इमारत होती है उसको shrine कहते हैं, तो किसी पीर की जो यादगार होती है उसको श्राइन कहेंगे। तो कहते पीर बाबा के श्राइन पर हमने जाने का इरादा किया। वी वेंट ओवर द ब्रिज अक्रॉस द सैदू रिवर एंड सम माइल्स डाउन द सेम रोड वी हैड कम बाय आर क्लाइम, द रोड वाज स्टीप एंड नैरो एंड इट सीम्ड लीडिंग लॉन्ग फोर पासेज ऑन द वे, इट वाज वेरी विंडी, द रोड दैट वी कुड सी
zig zagging down the next big hill did not look very inviting with a rainy sky overhead. तो रोड जिस पर बारिश वाला आसमान था वो हमारे zig zag भी थी, टेढ़ी भी थी, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो इनवाइटिंग नहीं थी, मतलब कि अच्छी नहीं थी चलने के लिए. सो वी टर्नड एंड केम बैक बाय द वे वी हैड गोन एंड देयर ग्लैड टू बी बैक इन द वैली अगेन. चुनाचे हम मुड़े और हम खुश हुए, ग्लैड मतलब हैप्पी, हम खुश हुए, हम दोबारा वादी में आ गए. बाय नाउ द रेन वॉज ब्लरिंग द हिल्स एंड ऑलमोस्ट शटिंग आउट द व्यू. अब तक रेन की वजह से हिल्स ब्लर हो गए थे, ब्लर होते धुंधला जाना, और मंजर शट हो गया था, नज़र नहीं आ रहा था. वी एट इन द कार लुकिंग एट द बुद्धिस्ट रुइंस फॉर नो वन वॉन्टेड टू क्लाइंग अप देयर इन द रेन. तो हम कार में बैठ के हमने खाना खाया और दूर से ही हमने बुद्धिस्ट रिमेन्स को देखा, क्योंकि बारिश में कोई पहाड़ों पे चढ़ना नहीं चाहता था. द कलर्स ऑल बिकेम सॉफ्ट, द स्नो डिसअपियर, द फ्लावर्स हंग देयर सॉफ्ट हेड्स एंड द डिस्टेंट हिल्स वर हिडन इन द मिस्ट. We finally returned to the hotel to spend the rest of the afternoon sorting specimens of flowers, making notes, making a few sketches of the flowers and drinking tea. So writer कहते हैं कि आखिरकार हम होटल वापस आ गए, वहाँ पर हमने कुछ फूलों के स्पेसिमन इकट्ठे किए, स्पेसिमन नमूने. उसके अलावा वो कहते हैं मैंने कुछ नोट्स लिखे और कुछ स्केचेस बनाए, फूलों के स्केचेस बनाए और चाय पी. द मिस्ट केम फार्दर अप द वैली अंटिल द नियरेस्ट हिल्स वर आल्सो कवर्ड. ऑफ ऑल दैट रायोट ऑफ कलर ओनली अ सॉफ्ट ग्रे ब्लू रिमेन. तो सारे रंगों में से आखिर में एक नरम नीला रंग बाकी रह गया. चलें ये भी पैराग्राफ हो गया, आपने इसे पढ़ लिया इनका सफ़र. सो इसको देखते हैं, इस 24 पेज का ये देखें लास्ट पैराग्राफ है. We had planned to go to the rest house at Bahrain and perhaps to visit Kalam, but next day it was raining so hard that we got discouraged. It looked as if it was in four days of wet weather, so we came out of the valley as we had gone into it by Chakdara and the Malakand Pass. तो कहती है कि अगले दिन अगरचे हमारा इरादा था हम कलाम को विज़िट करेंगे, लेकिन हैवी रेन की वजह से हम डिस्करेज हो गए और हमने विज़िट ना किया और फिर हम वापस आ गए. और उसी मालाकंड पास से वो कहती है होते हुए हम वापस आए जहाँ से हम गए थे. फैमिली आफ्टर फैमिली ऑफ गुजर्स वॉकड ऑन द रोड इन द पोरिंग रेन. तो बरसती बारिश में गुजर्स की फैमिलीज वॉक कर रही थी, ड्राइविंग देयर एनिमल्स इन फ्रंट ऑफ देम, द रोड लोडेड विद देयर हाउस होल्ड पोजेशंस. पोजेशन मतलब अशिया, जायदाद, चीज़ों को कहते हैं. तो उन लोगों ने अपनी हाउस होल्ड की चीज़ें भी पकड़ी हुई थी और वो जा रहे थे. इट वॉज सैड टू सेट देम सो बेड रेगल्ड इन द वेट. तो इतने गीले मौसम में उनको भीगते हुए जाते हुए देखना सैड था. वन लिटिल गर्ल इन ब्लैक एंड रेड हैड अ ब्लैक लैम्ब इन हर आर्म्स. तो एक छोटी बच्ची के हाथों में बाजू में एक छोटा सा लैम्ब भी था. लैम्ब बकरी के बच्चे को कहते हैं. एज इफ इट टू हैड बिकम डिस्करेज्ड इन द रेन. और ऐसा लगता था कि बारिश की वजह से उन दोनों के भी हौसले पस्त हो रहे हैं. वी सॉ वेयर द स्वात रिवर वॉज ज्वाइंड बाय द धीर रिवर एंड वंडर्ड इफ अलेक्जेंडर हैड कम इन टू इंडिया थ्रू धीर. द हिल्स हैड शार्प पॉइंट्स टू देम एंड लुकड एज फ्लैट एज इफ दे हैड बीन कट आउट ऑफ कार्डबोर्ड. तो हिल्स इतने खूबसूरत लग रहे थे, नोकदार, जैसे कि उनको किसी ने कार्डबोर्ड से काटा हो. वी सॉ अ बेबी लिपर्ड स्किन हैंगिंग इन अ रोड साइड शॉप एंड वंडर्ड वेयर इट हैड कम फ्रॉम. दे हैड जकाल स्किन्स इन द शॉप्स एट मिंगोरा इन द रेन. द रॉक्स नियर द पास वर ऑलमोस्ट ब्लैक एंड कॉन्ट्रास्टेड शार्पली विद द लश ग्रीन एंड गोल्ड ऑफ द वैली. द पास ओवर मालाकंड हैड सीम्ड स्कारी वेयर वैन वी वर गोइंग इन टू स्वात, बट आफ्टर द पीर बाबा रोड इट लुक्ड अ हाईवे.
द रेन फॉलोड अस ऑल द वे टू द पंजाब। तो पीर बाबा के बाद आगे एक हाईवे की तरफ रोड मुड़ गई और पूरे पंजाब तक आते आते बारिश रास्ते में थी। अब ये देखें जो लास्ट इसका पैराग्राफ है वो बहुत खूबसूरत तरीके से इसने पूरे एसे को एंड किया है और अपनी जो फीलिंग इसमें उसने लिखी है और अप्रिसिएशन लिखी है इसमें उन लोगों की। इट वुड बी नाइस टू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम इन द वैली ऑफ सवाद। सवाद की वादी में लंबा वक्त गुजारना भी अच्छा होता। आई शुड लाइक टू पेंट डजन्स ऑफ पिक्चर्स। मैं दर्जनों तस्वीरें पेंट करना चाहती थी। एंड विजिट द हायर हिल्स। और हायर हिल्स ऊंची पहाड़ियों पे जाना चाहती थी। द फ्लावर्स आर सो लवली इन द स्प्रिंग। मौसम बाहर में फूल बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। बट टू गेट रिड इन द कम्फर्ट वन शुड हैव वंस ओन कार। बट टू गेट राउंड इन द कम्फर्ट। लेकिन पुरसकून कम्फर्ट होते हैं पुरसकून, लेकिन पुरसकून तरीके से सफ़र करने के लिए आपके पास कार होनी चाहिए। द रोड्स आर गुड एंड सेवरल ऑफ द साइड वैलीज मोटरेबल। रोड्स अच्छी बनी हुई हैं और बहुत सारी साइड वैलीज ऐसी हैं कि जिस पर मोटरेबल मतलब कार चल सकती है। उसके बाद अगली जो लाइन है इसको आप अंडरलाइन कर लें और इसमें से आप लिख भी सकते हैं अपनी समरी में क्वेश्चन के आंसर्स के अंदर। ये भी इनमें से कुछ लाइंस आप लिख भी सकती हैं। आर विजिट वॉज सो ब्रीफ दैट इट हैड द इफेक्ट ऑफ एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस एट द सिनेमा विद अ फिल्म इन टू पार्ट्स। हमारा विजिट ब्रीफ था और ये ऐसा था जैसे कि सिनेमा में दोपहर को एक परफॉर्मेंस देखते हैं जिसमें एक फिल्म आपने देखी है इन टू पार्ट्स, वन इन ब्राइट सनशाइन द अदर इन द रेन। जिस फिल्म के दो हिस्से हों, एक ब्राइट सनशाइन में और दूसरा बारिश में हो। एंड आई शैल ऑलवेज रिग्रेट अ पार्ट थ्री विच आई डिड नॉट सी। और राइटर कहती है कि पार्ट थ्री उस मूवी का मैं रिग्रेट करूँगी, मुझे अफसोस होगा कि वो मैं ना देख सकी। द रोड्स सड़कें वी डिड नॉट ट्रैवल जिन पर हमने ट्रैवल नहीं किया था। एंड द हिल्स वी मे नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू क्लाइंब। और वो पहाड़ियाँ जिस पर हमें चढ़ने का कभी मौका ना मिला। तो ये उसके तासुरात हैं। और राइट सो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और ये लेक्चर भी एंड हो रहा है। तो इसमें आपने देखा है कि ये छोटा सा ऐसे है अ विजिट टू द सवात वैली और इसके अंदर कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, नई वोकैबुलरी फूलों के हिसाब से और पौधों के हिसाब से आपको मिलेगी। फिर उसके बाद उसने कुछ ट्रेडिशंस का जिक्र किया है। ये देखें गुजर फोक्स और उनके ग्रेवयार्ड्स और कब्रिस्तान किस तरह के थे। और बुद्ध मत मज़हब का उसने ज़िक्र किया है कि वहाँ पर जो बड़ा मज़हब था किसी दौर में बुद्ध मत था। फिर उसके बाद सवात रिवर का ज़िक्र किया है और देखें मुख्तलिफ जगहों की खूबसूरती बताई है। और उसके अलावा यहाँ पर शादी का जो एक इवेंट था उनके पास उसका हाल उन्होंने बताया है, ट्रेडिशंस बताई हैं मैरिज के ऊपर क्या ट्रेडिशंस होती हैं। चलें ठीक है, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है और इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हम अगले फिर हम हाज़िर होंगे। या आप याद कर लीजिएगा समरी और क्वेश्चन आंसर्स। और जब भी या मेरा लेक्चर सुने आप अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर खोल कर बैठा करें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।